स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरेंद्र पांडे ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वाभिमान पार्टी तीन बातों के लिए कार्य कर रही है, ढांचे और व्यवस्था में बदलाव को लेकर, मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्र विकास। भारत को चीन या अमेरिका नहीं बनाना बल्कि भारत ही बनाना है, राजनीति को भारत के लिए बनाना है। इन बातों को लेकर हम देश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश में मंडी व कांगड़ा संसदीय लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना, जंगलों को अवैध कब्जों से मुक्ति तथा पोंग बांध के स्थापना के समय जो 28,000 लोग विस्थापित हुए हैं उनकी मांग को उठाना। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि स्वाभिमान पार्टी नहीं है, हम चंदा नहीं लेते, साधन सीमित हैं। बिहार में हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, साधनों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, आगामी 20 चुनाव में विस्तार होगा। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, इससे लड़ाई असमान हो जाती है, प्रत्याशी का चेहरा ही आने वाले समय में चिन्ह होगा। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि नोटबंदी के जो विवरण निकाले गए हैं, भारत के शुरू के 30 अमीरों की संपत्ति बढ़ गई है, मुकेश अंबानी की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला, उनका तो नुकसान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि वही लोग भारत को बचा सकते हैं जो भारत को नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति शासन होगा, देश का विकास होगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दी गई टिप्पणी की वे नीच किस्म के आदमी है, पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि राजनीति में इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनको वे दोहराना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर उनके मित्र हैं और विद्वान हैं, उनके द्वारा राजनीति में रहते हुए दिए गए बयान पर वे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा कि वर्तमान में नेता शब्द सम्मान सूचक नहीं रहा है, कभी कभी तो लगता है कि नेता शब्द मानो गाली बन गया। उन्होंने कहा कि मूल्य व सेवा की राजनीति अब नजर नहीं आती, वर्तमान में राजनीति का अवमूल्यन सबसे बड़ी चुनौती है। शांता कुमार ने धर्मशाला कोतवाली बाजार स्थित सामुदायिक भवन में हिमालय विचार मंच द्वारा आयोजित वर्तमान लोकसभा चुनाव व देश के समक्ष चुनौतियां विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आदर्श राजनीति और आदर्श नेता होते तो देश कहां का कहां होता, बिना अच्छे लोगों के अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। शांता ने कहा कि आज देश में राजनीति का अवमूल्यन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण आज चौराहे की राजनीति संसद के पटल तक आ पहुंची है। आज नेताओं के बढ़ते अपराधीकरण के चलते स्पेशल कोर्ट बनाया गया। आज राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती राजनीति के अपराधीकरण के साथ साथ 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज मतदान 100% तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि 100% वोट से ही सही सरकार चुनी जाती है, आज सभी वोट नहीं डालते तो सही सरकार कैसे चुनी जा सकती है। शांता ने कहा कि बीते 7 दशक में जितना विकास हुआ है उससे कहीं अधिक आर्थिक असमानता भी बढ़ी है, जिस कारण नक्सलवाद पनपा। आज हम पूरे देश में विवेकानंद की जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को नहीं माना जाता। उन्होंने NRC गठन को लेकर कहा कि जो 3 करोड़ घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए NRC बनाया गया है। हम ये जानते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता है। अब इस अवसर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 22 चांसलर प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी KC शर्मा, भाजपा नेता राकेश शर्मा व संजय शर्मा उपस्थित रहे।